उसको है सलाम भेजा। बोलो ने चमन से तुझको है सलाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको है पयाम भेजा। हुआ है ये खुदा करे ऐसी तुझको, चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, तू जिए हजारों साल यह सब क्या। सबसे पहले तो सबके साथ मैं भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मगर हकीकत तो यह है कि एमएलए सब बाकी बाद में, जब से वो पैदा हुआ है तब से साथ में ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ अच्छे भाई, अच्छे बच्चे, अच्छे रिश्तेदार मिलते हैं, वो वही लोग खुशकिस्मत होते हैं।
इससे बढ़ के इंसान क्या मांग सकता है। तीन रख वक्त की रोटी रिज़्क़ तो अल्लाह ताला का वादा है, हर एक को मिलना ही है। तो वेयर यू हैव गुड फ्रेंड्स, वेयर यू हैव गुड चिल्ड्रन, स्पेशली गुड ब्रदर्स, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, बहुत ही लायक है, सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, बाहर लोगों के लिए भी, अखलतियों के लिए, गरीबों के लिए, फॉर द डाउन ट्रॉडन। ही इज़ सो काइंड हार्टेड कि हमें अच्छा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि आपके छोटे भाई, तो अच्छा लगता है कि यस आई एम प्राउड ऑफ हिम एंड इट विल ऑलवेज बी लाइक दैट, बी लाइक दैट। आई विश हिम, और दुआ हम यही करेंगे कि वो हमेशा लोगों के काम आए, लोगों की दुआएं लें और सेहतमंद रहें। थैंक यू। के मौके पर मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ हूँ कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे और सियासी मैदान में तरक्की से नवाजे और कौम की खिदमत करने के लिए हमेशा वो मुस्तैद रहे करके मैं आशा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ। आज हमारे राजू सेठ साहब का जन्मदिन है, तो हमारे तरफ से और मेरे वार्ड के जितने भी लोग हैं और सिटी के जानिब से राजू सेठ साहब को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छा राजू सेठ साहब काम कर रहे हैं, राजू सेठ साहब और सेठ फैमिली से हमारी दुआ, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ही उनके से खिदमत लेते रहे। अस्सलाम वालेकुम। बेलगाम के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राजू सेठ का आज जन्मदिन है। सेठ साहब दो बार MLA रहे और आगे भी सेठ फैमिली से उम्मीद है बेलगाम के मुसलमानों को और आवाम को कि इन्होंने जो काम को अंजाम दिया है, शायद पिछले 70 सालों से या 50 साल 60 साल हुए ऐसा काम कोई नहीं किया जो सेठ साहब ने किया है। हम आगे भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस सेठ फैमिली को इस सीट, कांग्रेस की सीट दें, और हम तमाम बेलगाम के नॉर्थ ब्लॉक के तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि इनको जिता कर काम करने का मौका दें। बेलगाम शहर में राजू सेठ एक जानी मानी हस्ती है, जैसा उनका नाम है उनका किरदार भी वैसा ही है, और राजा सेठ की तरह रहते हैं, लोगों में बहुत ही ज़्यादा मकबूल है, खासकर नौजवानों में, और उनका जो लोगों के साथ मिलना उठना बैठना और उनके साथ लोगों के साथ जो नरमी से रहते हैं वो सब लोग उनको बहुत चाहते हैं, तो आज उनके जन्मदिन पे हम मुबारकबाद देने के लिए आए। शुक्रिया। बेलगावियल्ली नम्म नगर घटकद अध्यक्षरादंत राजू सेठ अवरु इवत्तु हुट्टुहब्ब इदे, इवत्तु बेलगावि नगर मत्तु साउत् मत्तु नार्त् एरडु ब्लाक्दिंद अवर ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು BJPಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಜಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಜೈಬೇರಿ ಹೊಡಿತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಮೂಹ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆಜ್ ಹಮ್ ಯಾ ರಾಜು ಶೇಟ್ ಕಾ ಬರ್ಡೆ ಮನಾನೆ ಆಯೆ ಹೇ. हम चाहते हैं, हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि इनकी उम्र दराज हो, कोविड में बहुत अच्छा काम करें, विदाउट कास्टिज्म सिलेंडर पहुंचाए, राशन पहुंचाए और मेडिकल सर्विस अच्छी दिए, और इन्हों जो है एक नायाब इंसान है, एक लीडर, एक बहुत ही अलग तरह के लीडर हैं जो है नहीं हमेशा लेडीज़ को है नहीं हेल्प करते हुए आए, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो किसकी भी शादी का मामला हो, चाहे वो बच्चे को है नहीं आगे पढ़ाने की जिसकी काबिलियत नहीं है, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है, उस टाइम का हमें सेठ साहब पास गए तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प करे, अंजुमन स्कूल में एडमिशन दिलाने के वास्ते, या सेंट जोसेफ में, या सेंट जेवियर में, या सेंट सेंट पॉल में गरीब बच्चों को है नए एडमिशन्स दिलाए, और आगे इंजीनियरिंग के वास्ते, कंप्यूटर साइंस करने के वास्ते उन्होंने औरत बेटियों को बहुत हेल्प करे।
इसमें है नहीं, पूरा सपोर्ट है नहीं राजू शेठ के साहब पास जाता है कि का तो उन्होंने कोरोना में सिलेंडर्स जो पहुंचा है, जो मरीजा की हालत थी उस टाइम का कोई भी सामने नहीं आ रहा, चाहे वो चिता को आग लगाने का काम की ना होता नहीं, चाहे वो जनाजे को खांदा देने का की नहीं होता, चाहे वो है नहीं एक इंसान को गुसल देने का, इनकी टीम और इनो बहुत अच्छा वर्क करे। राजू शेठ साहब को हमारे तरफ से मैना भाई फाउंडेशन हमारे तरफ से सम्मान किया गया और उनके जन्मदिन को जन्मदिन मुबारक हो। और वो सोशल वर्कर बहुत अच्छा ही काम करते हैं और हम उनका बहुत अच्छा है उसके बारे में फिल्म बहुत आ रही है, हम उनको हमारी तरफ से शुभकामना देते हैं। खुश नसीब वही होते हैं जिस जो लोग पसंद करते हैं और लोग चाहते हैं। मैं जो भी यहाँ पे आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और जो भी आ ना सके फ़ोन पे मुझे बोले व्हाट्सएप भेजे उनका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी वेल ओवरवेलम्ड, थैंक यू वेरी मच। और आप देखे रहेंगे कि बड़ी खुशी की बात है कि हर कौम और मज़हब के लोग यहाँ पे आए। ऐसे ही हमारा बेलगाम था, ऐसे ही है और ऐसे ही आगे चलना चाहिए। सब मिल के सब जुड़ के जैसे हम बचपन में थे, ज़िंदगी भर हम यही दुआ करते हैं कि हमारी आखिरत तक यही चलते रहे। नहीं, खासकर मैंने देखा कि लोगों के अंदर कोविड के टाइम पे जो अंजुमन की जानिब से खिदमत अंजाम दिए, मैं लोगों के अंदर चल फिर कर देख रहा था कि इसका ज़्यादा असर आपके ताल्लुक से या अंजुमन को लेकर रहा। सर, आप उस पर क्या कहें? कोविड के वक्त अंजुमन इस्लाम काफ़ी काम कर चुका है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का हो, मेडिकल कैंप्स हो, कोविड सेंटर हो, दफनाने का हो या अंतिम क्रियाक्रम हो, हमने सब काम किए और यही सोच के इंसानियत के लिए किए। और बहुत ज़रूरी ये बात है कि अकेला मैं होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था, हमारे अंजुमन की एक टीम जो जुड़ती गई और बड़ी होती गई और जुड़ गई, एक टीम की वजह से हम कामयाब रहे। तो मैं पूरी टीम का जो आज यहाँ पे भी आए थे उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि बहुत खिदमत की आपने, जान हथेली पर रख कर काम जो किया उन्होंने, हमारे बच्चों ने काम किया है, जो गुसल देने वाले थे, जो हमारी टीम थे, जो मेम्बरान थे, जो दफनाने वाले थे, बहुत कुछ काम किया है। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक मजहबी तशद्दुद का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन आज हमने आज यौम पैदाइश की मुबारकबाद देने के लिए मुख्तलिफ़ मजाहिब के लोग, भाषा ज़बान के लोग यहाँ पर कसीर तादाद में देखे गए, उसकी क्या वजह हो सकती? हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हमारे दादा वालिद फिरोज़ भाई के हर एक लोग को साथ में लेके चलना, मिल के चलना, हम मिल के बड़े हुए हैं, मिल के रहे हैं। और यही मैं सब अपने भाइयों से कहूँगा कि हर एक मिल के रहे, इस देश में हमारे वतन में अमन और शांति रखें।